महाराष्ट्र में सियासी महासंकट को 7 दिन हो गए हैं। रणनीति लगातार बन रही है और एक तरफ मुंबई में उद्धव ठाकरे और महाअघाड़ी के उनके सहयोगी सरकार बचाने की कवायद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गुवाहाटी में बागी विधायकों के साथ बैठे एकनाथ शिंदे बहुमत होने का दम भर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतने के लिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने बागी विधायकों को गद्दार बताया है, तो वहीं शिंदे ने महाविकास अघाड़ी को अजगर बता दिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बचेगी या गिर जाएगी? शिवसेना के टुकड़े हो जाएंगे या ठाकरे परिवार के हाथों में ही रहेगी कमान? महाराष्ट्र में महासंकट का कब होगा अंत? ऐसे कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। दावे अपने अपने हैं, लेकिन सच का टेस्ट होना अभी बाकी है। उद्धव के तेवर बदल चुके हैं और शिंदे से तकरार भी अब तेज हो गई है। वहीं बागी विधायकों के दम के साथ शिंदे बहुमत होने का दावा बार बार कर रहे हैं। शिंदे अब पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं को बगावत की वजह समझा रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि उनकी ये लड़ाई शिव सैनिकों के हितों के लिए है। उन्होंने ट्विटर पर शिवसेना कार्यकर्ताओं से एक खास अपील की है। उन्होंने लिखा, प्रिय शिव सैनिकों, अच्छी तरह से समझें, एमवीए के खेल को पहचानो। मैं शिवसेना और शिव सैनिकों को एमवीए के अजगर के चंगुल से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। ये लड़ाई आप शिव सैनिकों के हित के लिए है। आपका एकनाथ संभाजी शिंदे। वैसे सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक शिंदे अगले हफ्ते सरकार बनाने की तैयारी में हैं। इतना ही नहीं, आगे का प्लान भी तैयार है। सरकार बनने के बाद शिंदे गुट के नेता, मंत्री, विधायक और सांसद अयोध्या दर्शन के लिए जाएंगे। वैसे अटकलें शिंदे और बीजेपी की बढ़ती नजदीकियों को लेकर भी लगाई जाने लगी है। सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार की रात को बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों ही गुजरात में थे। फडणवीस के चार्टर्ड प्लेन ने मुंबई से पहले इंदौर के लिए उड़ान भरी और कुछ देर बाद प्लेन गुजरात पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक ऐसा मुंबई एयरपोर्ट पर मीडिया को चकमा देने के लिए किया गया था। सूत्रों के मुताबिक गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे ने भी गुजरात के लिए चार्टर्ड प्लेन से उड़ान भरी थी। हालांकि शिंदे के लिए बागी विधायकों के साथ मिलकर सरकार तक पहुंचने का सफर आसान नहीं है। इससे पहले 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए दिए गए शिवसेना के नोटिस का जवाब भी 27 जून तक देना है। इसके लिए सोमवार को कोर्ट जाने की तैयारी है। पहले हमारा गट को रिकॉग्निशन देनी चाहिए। वो रिकॉग्निशन देने के लिए इतना समय निकाल रहे हैं, तो हम अगर वो नहीं दे रहे तो हम कोर्ट में जाएंगे। हमारा वहाँ पे जो एग्जिस्टेंस है, कितने सदस्य है, हम प्रूव करेंगे और हम वहां से ले लेंगे अपना। बागी विधायकों को मनाने की कोशिशें भी जारी हैं। सूत्रों के मुताबिक अब उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने खुद मातोश्री से कई बागी विधायकों की पत्नियों से संपर्क किया और उन्हें अपने पति विधायकों को समझा बुझाकर वापस उद्धव खेमे में लौट आने को कहा। हालांकि उन्हें कई विधायकों की पत्नियों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। 2/3 लोग जब पार्टी से निकल के जा रहे हैं तो उनका अलग गुट नहीं बनेगा। अब पहले मर्जर पे जो शिवसेना हम ही शिवसेना है, तो शिवसेना का अस्तित्व वही खत्म करने वाले हैं उनका। या तो उनको बीजेपी जाए और किसी अन्य पार्टी में जाए, तो कितनी खेदजनक स्थिति होगी। इस बीच जारी राजनीतिक उठापटक और बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुंबई पुलिस ने छुट्टी पर गए लोगों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने को कहा है। मुंबई में राकेश त्रिवेदी और वैदेही कनेकर और गुवाहाटी में पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।